बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां से राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करके जानकारी दी है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाया गया है, ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करके जानकारी दी है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2018 में बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया था महबूबा मुफ्ती की सरकार से, जिसके बाद से राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लागू था, जिसके बाद अब राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है वहाँ से। और अब 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला सीएम पद की शपथ ले सकते हैं, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है, जिसके बाद अब 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था, जब 2018 में बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया था तब महबूबा मुफ्ती ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से ही राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लागू था, जिसके बाद अभी फिलहाल में हुए चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में वापस सत्ता लौट आई है, जहां 16 अक्टूबर को सीएम उमर अब्दुल्ला सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला सीएम पद की शपथ ले सकते हैं, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए थे 2024 में, यानी इसी साल अभी पिछले महीने चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसके बाद अब 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला सीएम पद की शपथ ले सकते हैं, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2018 में बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया था महबूबा मुफ्ती से, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था, उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू था। हालांकि राष्ट्रपति शासन अब हटा लिया गया है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना इसकी जारी कर दी है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है।